बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 8 मैथ्स की यूनिट 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स को स्टार्ट करूँगी। सेट्स वाला चैप्टर बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप इस पर फोकस करें और तवज्जो दें कि इसको हमने किस तरह से करना है, तो आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। जैसा कि अपने प्रीवियस क्लासेस 6 और 7 में आप सेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। और जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मेंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज अ सेट 1, 2, 3 एंड 4। ये एक सेट है जो इसके ये एलिमेंट्स हैं, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको कहते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स। ये जो 1, 2, 3, 4 हैं, इनको कहते हैं मेंबर्स। जस्ट टू रिकॉल, मैं आपको ये दोबारा से बता रही हूँ, इनको कहते हैं मेंबर या फिर एलिमेंट्स कहते हैं इनको। और ये वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट का मतलब है कि यहाँ पे कोई भी जो एलिमेंट होगा इसका वो रेपिटेटिव नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा। 1, 2, 3, 4 सब वेल डिफाइंड होंगे, यानी कि 1, 2, 3, 4 सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये सेट होगा। इसी तरह अब इसकी एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन है उसमें आपने बताना है सबसेट के बारे में, और सबसेट को भी सॉल्व करना बहुत आसान है। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी सेट, ये है एम्प्टी सेट, तो ये एम्प्टी सेट है तो इसका सबसेट भी एम्प्टी सेट ही होगा। यानी कि अगर आपने इसका एम्प्टी सेट लिखना है तो आप इसको ये 5 मींस इस सिंपल से ही आप इसको लिख दें, तो बस ये, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो आप इसको आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे? आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए इसके लिए आप ये साइन यूज करेंगे। ये इसका सबसेट है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है 1। ये यहाँ पे आपने इसका लिखना है सबसेट, और सबसेट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ये 5 यानी कि एम्प्टी सेट का साइन यूज करते हैं। उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स उसमें होंगे उनको सिंगल सिंगल सेट बना के लिखेंगे, उसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं। और फिर उसके बाद डबल, और इस तरह करते करते वो आगे जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये 1 है, हमने इसका सबसेट लिखना है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया आप लिखेंगे 5 मीन्स एम्प्टी सेट, अगेन इसका 1। ये देखें, अब 1 के अलावा आगे इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो यही आपका आंसर है कि आप इसमें ये भी लिखेंगे एम्प्टी सेट और 1। ये इसका सबसेट है, सबसेट में जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो सब उसके सेट में आएंगे। सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब उसके सबसेट होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ए और बी। अब ये देखें, यहाँ पे ए बी, अब ए और बी है, यहाँ पे आपने इसका सबसेट लिखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? एम्प्टी सेट मींस 5। फिर ए और बी, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों को हम लोग पहले सिंगल सिंगल सेट में लिखेंगे इस तरह से बी, और उसके बाद ए और बी को हम एक सेट में लिख देंगे। तो ये है इसके सबसेट। सबसेट को बनाना बहुत आसान है, इसमें सबसे पहले आपने ये एम्प्टी सेट लिखना होता है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको आपने सिंगल सेट में लिखना होता है, और बाद में जो एलिमेंट्स होंगे उनको इस तरह से आपने एक सेट में लिखना है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 थे तो ये इस तरह से होगा ए बी एंड ए बी। तो ये था सबसेट को फाइंड करना, इस तरह से सबसेट को फाइंड करते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल प्रॉपर सेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब सबसेट क्या होता है? प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट ये है कि अगर आपके पास 2 सेट्स ए और बी गिवन हो और उसमें से सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन सेट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में ना हो, तो वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव ए सेट लाइक 1, 2, 3 एंड बी सेट दैट इज 1, 2, 3 एंड 4। अब आपने ये बताना है क्या ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है? तो ये देखिए, ये प्रॉपर सबसेट किस तरह से है? सेट ए का हर एलिमेंट 1, 2 एंड 3 सेट बी में मौजूद है, लेकिन सेट बी का एक एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं है, तो ये प्रॉपर सबसेट की कंडीशन को पूरा करता है। इसलिए सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ये होता है प्रॉपर सबसेट के सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में हो, लेकिन सेट बी का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो कि सेट ए में ना हो, तो वो क्या होगा? ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। लेकिन अगर इसके ऑपोजिट हो जाए, यहां पे ए इज इक्वल 1, 2, 3 एंड बी इज इक्वल 1, 2, 3, तो अब यहां पे क्या है? ए का हर एलिमेंट सेट बी में है और सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में है, तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये इम्प्रॉपर सबसेट है. दैट विल बी इम्प्रॉपर सबसेट. के इम्प्रॉपर सबसेट में सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में होगा, लेकिन इसी तरह से सेट बी का भी हर एलिमेंट सेट ए में होगा. तो लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें अब आपने एक्सरसाइज में देखें, क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल प्रॉपर सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. तो उधर कुछ सेट गिवन है जिसके आपने प्रॉपर सबसेट बताने हैं, मींस ये आपने सॉल्व करना है, ये सॉल्व नहीं करना. और इसमें है सेट ए. जी फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए गिवन है. अब ये देखिए यहाँ पे ये एक सेट गिवन है, आपने इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है. यहाँ पे आपको दो सेट गिवन नहीं है जिसको आप कंपैरिजन करके बताएंगे कि वेदर दे आर प्रॉपर सबसेट और नो. आपको एक सेट गिवन है, आपने इसका प्रॉपर सबसेट बनाना है. तो जब भी आपने इसका प्रॉपर सबसेट बनाना है तो वो भी 5 मींस एम्प्टी सेट से स्टार्ट होगा. तो ये है इसका एम्प्टी सेट. अब यहाँ पे अगर ए में लिख दूंगी तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये उस कंडीशन पे पूरा नहीं होता कि इस सेट का हर एलिमेंट इसमें हो, लेकिन इस सेट का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो इसमें ना हो. तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ ये 5 ही लिखेंगे, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो हर सेट में मौजूद होता है, इसीलिए ये 5 मींस ये एम्प्टी सेट ही इसमें आएंगे. इसके साथ हम ए को नहीं लिखेंगे. अगर हमने इसके साथ ए को लिख दिया तो फिर ये दोनों सेट सेम हो जाएंगे जो कि इम्प्रॉपर हो जाएंगे. इसलिए हमने इसको प्रॉपर बताना है, तो सिर्फ इसमें एम्प्टी सेट आएगा. यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक ही एलिमेंट है, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, मीन्स उसका सेट नहीं बनाएंगे. और वो सेट हम क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि जो प्रॉपर सबसेट होता है उसमें इसका हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए, लेकिन इसका एक एलिमेंट इसमें नहीं होना चाहिए. ये जो एम्प्टी सेट है ये यहाँ पे है, मींस एम्प्टी सेट का ये जो साइन है ये इसमें मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पे एक को कंटिन्यू नहीं करेंगे. मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताती हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए. जी तो सेकेंड है वो है 0 1. अब 0 और 1 में देखें हमने क्या करना है, इसके प्रॉपर सबसेट लिखने हैं. तो प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एम्प्टी सेट, फिर क्या करेंगे हम इसके सिंगल सेट लिखते हैं 0 और 1. अब हम यहाँ पे 0 और 1 को नहीं लिखेंगे. अगर हमने 0 और 1 को लिख दिया तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा. प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ये देखें एम्प्टी सेट, ये देखिए ये 0 है, ये इसमें है, लेकिन इसका एक एलिमेंट ऐसा है जो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपर सबसेट है. अब ये देखें 0 और 1 है, तो 1 इस सेट में है. ये सब डिफरेंट सेट्स हो जाते हैं, ये भी सेट है, ये भी सब, ये भी सेट है, ये इस सेट, ये जो गिवन है ये इसके सब सेट्स हैं. एक सेट में से आप जितने भी सेट आगे निकाल ले सकते हैं वो उसके सब सेट होते हैं. जैसे यहाँ पे ये ए था और ये एम्प्टी सेट है, तो देखें ए और एम्प्टी सेट, तो ये क्या है, प्रॉपर सबसेट. अब ये देखें 0 और 1 था, तो एम्प्टी सेट से ही ये स्टार्ट होता है 0 और 0. अब देखिए ये 0 इसमें है और इसमें भी है, लेकिन 1 इसमें है और इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि ये सेट इस सेट का प्रॉपर सबसेट है. इसी तरह 1 और 1 है, तो ये 1 दोनों मौजूद है, लेकिन ये 0 इस सेट में नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में प्रॉपर सबसेट हैं. तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 में आप सब वो सॉल्व करती हूँ. दैट इज 1 2 एंड 3. क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 और 3. इसमें भी आपने क्या लिखना है, इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है. ठीक है, तो प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट. उसके बाद इन सबको डिफरेंट करेंगे, मीन सिंगल सेट में 1 2 3. ये देखिए यहां तक तो ये इजी था. देखें 1 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसके कुछ एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये क्या है, एक प्रॉपर सबसेट. 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन 3 और 1 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी इसका प्रॉपर सबसेट बनता है. अब ये है 3 और ये है 3, तो ये दोनों भी सेम है, लेकिन बाकी के दो एलिमेंट्स इसमें नहीं है, तो ये भी क्या डिनोट करते हैं कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है. अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने 1 और 2 का सेट बनाना है. सबसे पहले आपने एम्प्टी सेट लिखा, उसके बाद आपने जितने भी एलिमेंट्स थे उनको सिंगल सेट में लिखा. अब क्योंकि ये देखिए 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम सबसे पहले कॉमा के बाद क्या लिखेंगे, 1 और 2 बनाएंगे एक सेट. अब ये देखिए यहाँ पे 1 और 2 तो है, लेकिन 3 नहीं है, तो इसका मतलब ये सेट भी इस सेट का प्रॉपर सबसेट है. 1 और 2 आ गया. उसके बाद आप 1 और 3 लिखेंगे, 1 और 3. अब ये देखें ये सेट और ये सेट, यहाँ पे 1 और 3 है, यहाँ पे 1 और 3 है, लेकिन 2 नहीं है इस सेट में, तो इसका मतलब ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा. अब आपने 1 और 2 का भी लिख लिया, 1 और 3 का लिख लिया। अब जो लास्ट आएगा वो आएगा 2 और 3 का, 2 और 3। अब ये देखें, अगर हम 2 और 3 का सेट बनाते हैं 2 और 3 का, तो पीछे 1 रह जाता है जो कि इसमें नहीं है, तो ये भी क्या शो करता है कि ये इसका प्रॉपर सबसेट है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 1, 2 और 3 भी लिख देंगे तो ये इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ये इसका हर एलिमेंट इसमें और इसका हर एलिमेंट इसमें होगा जो कि इम्प्रॉपर सबसेट को शो करता है। इसीलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाएगा जहां तक जी। तो नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट क्या होगा? पावर सेट जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है -1 एंड 1। अब आपने इसके क्या लिखने हैं आगे से, पावर सेट लिखने हैं। लेकिन पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। अब इस सेट के ये जो गिवन है इसके जितने भी पॉसिबल आप सबसेट बना सकते हैं आप वो बनाएं, तो वो इसका क्या होगा? पावर सेट होगा। पावर सेट के लिए एक फॉर्मूला आपको मैं बता देती हूँ कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। तो इसके लिए ये देखें 2n, ये n क्या डिनोट करता है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं। तो 2n इज इक्वल टू, कितने एलिमेंट्स है इसमें? 2 मीन्स n की पावर, यानी कि n की जगह पे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। तो देखें 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4। इसका मतलब है कि इस सेट के जो पावर सेट बनेगा उसमें 4 सेट्स आएंगे, 4 सबसेट्स आएंगे। मींस पावर सेट क्या होता है, उसके लिए आप ये लिख लें तो आपको पता चल जाएगा कि उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं अंदर उसके अकॉर्डिंग इसके कितने आगे से सबसेट्स बनेंगे। तो इसके लिए आप इसको कोई भी नाम दे दें, ए बी सी कुछ भी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ये जो सेट गिवन है इसको मैंने ए का नाम दिया है और पी इसकी पावर को शो कर रहा है, मींस पावर सेट ऑफ ए। सबसे पहले पावर सेट में भी हम क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट, ये आता है एम्प्टी सेट। उसके बाद हमने हमारे के पास कितने सेट आने चाहिए? 4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एम्प्टी सेट। उसके बाद इनको सिंगल सिंगल लिखेंगे, यानी कि 1, फिर आएगा 1, ये -1, ये 1, तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3 और लास्ट में क्या आएगा? जो भी यहाँ पे गिवन है उन दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे लिख देंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या हो रहा है? 1, 2, 3, 4। ये इसका मतलब है कि हमारे पास 4 सेट्स आगे हैं। तो हमने पावर सेट को सही फाइंड किया है। पावर सेट में जितने भी आप सबसेट बना सकते हैं वो उसकी पावर को शो करते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है मैं आपके साथ वो सॉल्व करती हूँ। जी, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है A B C। अब ये A B C है, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3 मीन्स 2n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 4 एंड 4 2 8। इसका मतलब है कि इसके जो आगे सेट बनेंगे वो कितने होंगे? 8। तो मैं इसको बी का नाम दूंगी, पावर सेट ऑफ बी। अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें आएगा एम्प्टी सेट, ये भी काउंट सेट में होगा। उसके बाद इन सबको आपने सिंगल सिंगल सेट में लिखना है, B and C। तो ये कितने हो गए? 1, 2, 3, 4। ये 4 अभी हमारे पास आ गए। अभी हमने 4 और बनाने हैं क्योंकि हमें 8 चाहिए। अब ये आगे क्या करेंगे हम? अभी तो हमने यहाँ पे इनको सिंगल सिंगल लिखा। अब A को हम B के साथ लिखेंगे, फिर A को हम C के साथ लिखेंगे। A and B ये एक सेट, फिर A and C ये अगला सेट। अब A को हमने इन दोनों के साथ सेपरेटली लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे? B को लिखेंगे C के साथ, B और C। अब हमारे पास कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जो लास्ट में इसके हमेशा जो भी सेट गिवन होगा वो ही आएगा जी। तो ये है इसका पावर सेट। पावर सेट को आप ये 2n ये फॉर्मूला लिखने तो आपको इधर से पता चल जाएगा कि इसके आगे से कितने सबसेट आएंगे। तो देखें, इसको फाइंड करना बहुत आसान है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।